नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसआर लर्निंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर सीरीज का ये वीडियो है। इसमें एक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट किया था कि कीबोर्ड के अंदर बटन होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं ऑन, ठीक है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जैसे आप यहाँ पर सर्च बार में टाइप करोगे ऑन, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो ये कीबोर्ड आपको दिख जाएगा, ठीक है। मान लो आपके पास फिजिकली कीबोर्ड ना हो, कभी आपको काम करना पड़े, केवल आपके पास माउस और फिजिकल कीबोर्ड नहीं हो, तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज ले सकते हैं। दरअसल आज के इस वीडियो हम ये सीखने वाले हैं कि मान लो यहाँ पर ये अल्फाबेट दिए गए ए एस डी एफ, मतलब जितने भी बटन से उन पर ए की वैल्यू दी गई है। मतलब यहाँ पर ये एफ का बटन है, हम एफ प्रेस करेंगे तो एफ ही टाइप होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे सेमी कॉलम हो गया, एट द रे हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गए, एंड का बटन हो गया, ये बहुत सारे बटन्स होते हैं। इनको टाइप करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। आप हमेशा इनको जब टाइप करते हो, जैसे मान लो यहाँ पर एट द रे, तो मैं आपको यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ये नोटपैड ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी मैं थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर देता हूँ। अब आपके सामने पूरा कीबोर्ड है, ठीक है। अब मान लो आपको टाइप करना है एट द रे, तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड से दबा रहा हूँ या फिर आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दबाओ, एक ही बात है। यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्या टाइप हो, दो। लेकिन मुझे एट द रे चाहिए, कैप्स लॉक ऑन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं दबाऊँ दो, तो भी दो टाइप हो रहा है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कैप्स लॉक ऑन करो, लेकिन कैप्स लॉक क्या करता है कि जो यहाँ पर हम लोग ये टाइप करते हैं, ये अभी कैपिटल लेटर में और इसको ये स्मॉल लेटर, ये काम आता है। आपको यदि एट द रे ये इसके साथ जो डबल डबल वैल्यू दी गई है, सेकेंड वैल्यू का आपको यूज में लेना है, तो हमेशा आप शिफ्ट के साथ प्रेस करो। जैसे मान लो शिफ्ट दबो, उसके बाद में एट द रेट टाइप करो, शिफ्ट दबो उसके बाद में लगो, शिफ्ट दबो डॉलर टाइप, शिफ्ट। कहने का मतलब ये कि यदि आप सेमी कॉलम स्टार एट द रे कुछ भी टाइप करना चाहो, तो एट द रे के साथ में शिफ्ट टाइप करना पड़ेगा। सिंपल है, एट द रे लगाना हो तो शिफ्ट दबाना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ सभी बटन होंगे, जैसे शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये बटन हाईलाइट हो जाएंगे, ये ऊपर वाली जो वैल्यू ये हाईलाइट हो जाएगी, और अगर शिफ्ट ऑफ होगा तो ये नीचे वाली वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप टाइप कर सकते हैं इन सभी को। सेकंड वैल्यू आपको चाहिए तो शिफ्ट के साथ प्रेस किया करो। जितने भी कीबोर्ड के अंदर डबल वैल्यू के आपके बटन दिख रहे हैं, सेकंड वैल्यू आप टाइप करना चाहो तो शिफ्ट के साथ इस बटन को दबाओ, वो टाइप हो जाएगा। मेरे ख्याल से जिस भाई ने कमेंट किया था उसको उसका आंसर मिल चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।